क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। कीजिए अपनी निगाहों को एक चेहरे पे पाबंद, हर सूरत पर लुट जाना कोहिने वफा होती है। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि दिखाने में है। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते, निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पारी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो आपके जज्बातों की कद्र ना करे उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। चेहरा क्या बयां करेगा दास्तां हमारी, जो दिल पे गुजरी है वो दिल ही जानता है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त सिर्फ इतनी है कि शरारतें करो, साजिशें नहीं। खुश नसीबी में बस एक ही ऐब है कि वो बदनसीबों के घर नहीं आती। कुछ लोग आपसे सिर्फ उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म हो जाता है वहां उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। लोग चुराने लगे हैं शायरियां मेरी, गुजारिश है कभी मेरा दर्द भी चुरा कर देखो। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं, कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। आज तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम, हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब के, जमाने ने समझा हमारा दौर ही खत्म हो गया। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा न था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा न था। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे, अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो हमें ज्ञान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं
इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रख कर, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं है, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। सिर्फ हुनर होने से कुछ नहीं होता, सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ना नफरत है अब उनसे, ना मोहब्बत बची है, ना इंतजार है अब उनका, ना कोई शिकायत बची है। होई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचानते। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती है। मौत से पहले भी एक मौत होती है। पिछड़कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत।